जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो राहु के एक अंक है, उसके बारे में, वो किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है इसके संबंध में बता रहा हूँ। और अधिक विलंब न करते हुए आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बता रहा हूँ। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये लिखा था कि यह अंक आप 4 बार लिखें तो आपके धन की कभी कमी नहीं आएगी, धन की बढ़ोतरी होगी। तो इसमें अधिकतर लोगों ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी के बारे में बताने के लिए कहा, उनके उनका संशय दूर करने के लिए आज इसको विस्तार रूप दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 4 अंक के बारे में बताया था, तो 4 जो है, अब इससे यदि हम अंक ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 नंबर, इट मीन्स 4, FOUR 4, 4 अंक का अधिपति राहु को माना गया है। और राहु आज की तारीख में हमारे जीवन में एक तरह से इतना विस्तार कारक बन चुका है कि इसके बिना व्यक्ति एक पल भी नहीं रह सकता है। राहु इंटरनेट का कारक माना गया है, राहु मीडिया का कारक माना गया है, और यहाँ तक कि आप जो मोबाइल चलाते हैं उसमें भी राहु का आधिपत्य है। तो राहु का आधिपत्य और राहु की एक विशेषता है कि ऐसे जातक जिनका मूलांक 4 होता है वो या तो पैसे की तरफ ध्यान देते नहीं हैं, और जब उनका ध्यान पैसे की तरफ चल जाता है तो ऐसे में आश्चर्य ढंग से वो इतना कमाने लगते हैं कि लोगों को आश्चर्य होता है कि इसमें इतने पावर कैसे आ गई। तो इसी तरह से राहु जो है वो 4 अंक होने के कारण राहु का जो वार है उसका शनिवार माना गया है। तो ऐसे में बहुत सों के धन की समस्या होती है और अधिकतर व्यक्ति यह चाहता है कि कम समय में अधिक बेनिफिट कैसे हो, इसके लिए कुछ उपाय बताया जाए। इसी क्रम में आज जो मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल सा प्लेन कागज लेना है और प्लेन कागज लेकर उस पर राहु के जो 4 अंक होते हैं वो 4 अंक किस तरह से लिखना है, 4 बार लिखना है, तो उसको बताता हूँ। यह है सिंपल सा 4, ये उल्टा आ रहा होगा, इसको 4 को 4 बार लिखना है और 4 लिखने के बाद में उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसको अपने जेब में, पर्स में, तिजोरी में इस तरह से रखना है। अब कब रखना है और क्यों रखना है इसके बारे में बता रहा हूँ। राहु को हमने 2 भागों में बांटा है। यदि कोई बिजनेसमैन है, किसी भी प्रकार का व्यापार करता है, तो उस व्यापारी को धन में बढ़ोतरी के लिए, धन के आगमन के लिए और बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो उसके लिए बुधवार के दिन शाम के समय, राहु का जो काल है वो शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है उसके बाद का माना गया है। तो जो मैंने जो उपाय बताया है वो उपाय बुधवार के दिन शाम के समय करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, किनको, जो बिजनेसमैन है। दूसरा आता है जो सर्विस देते हैं, सर्विस देने वाले वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जितनी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सभी के लिए शनिवार उपयुक्त है। तो शनिवार के दिन भी जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त के बाद में आपको यह उपाय करना है। तो इस तरह से मैंने इसके लिए 2 वार चुने हैं, एक है बुधवार और एक है शनिवार। बुधवार बिजनेसमैन के लिए और शनिवार है जो व्यापार नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा देते हैं। सेवा किसी की प्रकार की हो सकती है और सेवा के अलावा जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोबाइल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि इंश्योरेंस बीमा से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, घूम घूम कर जो कार्य करते हैं, उन सभी के लिए शनिवार का दिन इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन आप ये कार्य करेंगे तो ऐसे में आपको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्लेन कागज लेना है और काली स्याही से आपको
लिखना है और लिखने के बाद में फोल्ड कर कर आपके पर्स में चुपचाप रखना है। ये कार्य हर महीने जब आपने शनिवार किया तो एक महीने बाद वापस इसी पुनरावृत्ति होगी और जो पहले वाला जो कागज है उसको किसी जलाशय में प्रवाहित कर दें और दूसरी बार जब करें तो यही प्रक्रिया अपनाएं। आपको इस तरह से मुश्किल से 4 महीने तक करना है। आप इसको लगातार करेंगे आपको जरूर इसमें बेनिफिट होगा। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।